अच्छा की क्या उन्होंने? उन्होंने कहा कि उन्होंने थोड़े ते पूरा भरोसा है, पर मेहरा परिवार का नाम आसे पासे थोड़ा जहा खराब हो गया, जिस करके वो बच्चे नू अकैडमी भेजन लई कतरा रहे ने। सो हुण तुसी ये कॉम्पीटिशन जीत के साड़ी अकैडमी ते मेहरा परिवार उत्ते लगे दाग नू मिटा सकदे हो गीत? कोई गल नहीं भैन, मैं इस चैलेंज भी जीतांगी ते अपनी म्यूजिक अकैडमी का नाम दोबारा उच्चा करांगी। ए होई ना गल, मैं थोड़े नाल अंगीत। मैं भी पावे मम्मी जी पीके मामा नाल रल के गलत कर रहे ने, बट मैं थोड़े टैलेंट दे नाल आ। शाबाश की, बस ऐसा ही लग गया। थोड़ी यही मेहनत ना थोड़ा कंपटीशन जितने ली हो स्ट्रॉंग बनाएगी। सिमोन जी ऐसे ही प्रैक्टिस कर दी रही, ते इन्हें ता उस स्वीटी नू पछाड़ देने अपने हुनर दे नाल, ते साड़ी बेब को स्वीटी वो दिता सिर्फ शक्ल ही सोनी है, उन्हें तो टोल बजाना ही नहीं आंदा, उन्हें तो असी लेके आए गीत दे सामने। खम्मो पुआ, कुड़िया ने खूबसूरती नू अंडर एस्टिमेट ना करो। जो एक पासे सोनी कुड़ी खड़ी होएगी ते दूजे पासे नॉर्मल आम जई लुक वाली कुड़ी, ता मुंडे किदे पिछे जाणगे? ऑब्वियसली मॉडर्न कुड़ी वाली ना। अच्छा ऐदा है, ता तेरी खूबसूरती ने ता आज तक कुछ नहीं जीतया। मैंने हार ना ब्याह कराना ता दूर हो, ता तेनू देखदा भी नहीं है। कमुक मोना, मेरी गल नहीं, मैं गीत की गल कर रही हूँ। हाँ तो तेरी स्वीटी केड़ा गीत दे सामने मुकाबला करने लिए सही है? फैंस जिन्ने मर्जी बन जाओ दे, पर एंड च टोल कंपटीशन च टोल तो बजाना ही पेगा ना। फैंस सिर्फ स्वीटी दे ही नहीं होंगे कमकुआ। ठीक है बड़े पापा जी, जे आ गल है ना तो फिर गीत टोली अपना टोल कंपटीशन अपना चेहरा टक के लड़ेगी। सिर्फ गीत टोली दा टोल सुनाई देगा, गीत टोली आप किसी के सामने नहीं आएगी। हुण लोकां नूं ही दिखाई देगा जो मैं उन्हां नूं दिखाना चाहूंगी, अपना हुनर। ते गीत दी जित ओदे हुनर नाल होएगी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਉਲਟਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੀਤ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮੇਲ ਈਗੋ ਕਰ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਵੀ ਗੀਤ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ, सब कुछ देखने तो सुनने तो बाद थानू मैं गलत लग रही? गीत, मैं थानू गलत नहीं कह रहा। कई बार ना रिश्ते तो तंग दिल तौर वांग होंदे ने, उन्हों ज्यादा खिंचो ते अपने हाथ बढ़े जाते ने। तो गलत नहीं है, पर की जे के साहब, इन्ने साल पहला भी पीके भाई साहब इस घर विच ओही कुछ करदे सी जो अज कर रहे ने। इन्ने साल पहला भी तुसी चुप सी, ते आज भी तुसी चुप हो। हाँ, क्योंकि मेरे फटे भाई साहब ने, उन्हां दी इज्जत करना मेरा फर्ज बनता है। उन्होंने मैनू प्यो वांग पालिया, मैनू खिलाया पिलाया, उन्होंने मेरे हर जख्म ते मरहम लगाया। उन्होंने इतना कुछ करने तो बाद उन्होंने मैं रिश्ता किदा तोड़ देवां? रिश्ता रिश्ता तोड़न की गल कित्थों आ गई जेक साहब? असी किसी ने भी रिश्ता तोड़न की गल नहीं की, पर गलत नूं गलत ते सही नूं सही कहन दी हिम्मत तां रखो ना जेक साहब। पापा जी, तुसी फिर चुप हो गए, इहदा मतलब है कि थोनू ताया जी गलत लगते ही।
हाँ जी पापा जी, दसो थानू वड्डे पापा जी गलत नहीं लगते? जवाब दो पापा जी, वो जो करते पे ने सही करते पे ने। मेरे को ना थोड़े ना सवालों का कोई जवाब नहीं। गीत तू हिम्मत ना हारी, तू जो कुछ भी कर रही है ना सही कर रही है। नाले वैसे भी इन्हें साल मैं इन्ना कुछ सहया है, तेनू सहन की कोई लोड़ नहीं। तेनू ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी गीत, ता जो अके जो इस घर विच हुंदा रहा ना वह दोबारा ना होवे। तेनू आने वाला कल ते वड्डे भाई साहब की सोच बदलनी ही पड़ेगी गीत। वाह 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 वाह, दिवाली ते सारे अंदर दिवाला निकलिया पिया है, ते इन्हां नूं खुशियां मनाउण दी पई है। वैसे इन्ने पैसे आए कित्थे तुहाडे कोलों? जित तक मैनूं लगदा है सारे पैसे पीके अंकल कोल ने। सिमोन तू ये भुल क्यों जांदी है कि साडे घर दी लक्ष्मी गीत भाभी ने ते इस त्योहार लई पैसे भी उन्हां ने दित्ते। सिमोन मैनूं लगदा तेरी याददाश्त कमजोर हो गई। ओहो गिन्नी, अपने तो एक बहुत वड्डी गलती हो गई। आपां नूं सिमोन वास्ते बदाम खरीद लेने चाहीदे सी। वैसे किन्ने बेवकूफ हो ना तुसी, ते अज पता लग भी गया गीत ते सारे पैसे पटाकियां ते उड़ा रहे ने, ते जे इदां ही सारे पैसे उड़ाउंदे रहे तां खाओगे की? असी जो मर्जी खाइए पर तेरे वांग असी दूजियां दा दिमाग नहीं खावांगे। नाले साडी भुख दी फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, साडे अकाउंट बहुत छेती खुल जाणगे। उत्तों कल शाम गीत भाभी दी जीत भी पक्की है, सो कल शाम दी दिवाली तां असी धूम धाम नाल मनावांगे। कल कल्ले पटाके नहीं तेरा खून भी सड़ेगा, क्योंकि तू अपने नवे रिश्तेदारां नाल हार जो मनाएगी। गिन्नी तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है, गीत दी कुछ ज्यादा ही चमची बन रही है। चमची? अच्छा, खैर तेरे वंग पीके मामा दी गुलामी करन तो चंगा ही है गीत पावी दी चमची बन के रवा। ओह गिन्नी तू इतना मत्था क्यों मार रही है? आपां दिवाली दियां होर बहुत सारियां तैयारियां करने हैं, इनू छड़ परे आ चलिए। चलो रॉकी ब्रो आ जा। पिटीशन है आज? हाँ पता है, ता ही तो मैं गीत ढोली दे ढोल दा बैंड बजा दिता। हुण मैं भी देख दिया कि गीत ढोली बिना ढोल तो किवें ढोल बजाएगी। कमो बुआ, अज तक बहुत लोग गीत दे रस्ते दे विच रोड़े बने ने, पर गीत ओ पेड़ है जिन्हों कोई भी तूफान हिला नहीं सके। तो तुसी जो करना कर लो, जिन्ना जोर लगाना लगा लो, पर मेरी गीत रुकन वाली नहीं। क्यों है मलार? गीत दी हार। बड़ा शौक सी ना उन्हें पीके भाई साहब ना पंगे लैण दा, ते हुण कंपटीशन च बिना ढोल से जाए ते अपना तमाशा बनाए, क्योंकि इन्नी छेती तां उन्हें कोई दूजा ढोल मिलन तो रहा। ये तुम की कह रही कमो? पापा जी कमो पुआ ने गीत दे सारे ढोल फाड़ दिते ताकि वो कंपटीशन दे विच हिस्सा ना ले सके, पर शायद कमो पुआ ये गल भुल गए कि कंपटीशन एक फेयर तरीके दे नाल लड़िया जांदा है, चालबाजी करके नहीं। तुसी चंगा नहीं किता कमो पुआ, स्टेज उत्ते गीत नूं पावे जो मर्जी हरा दवे, पर तुसी क्यों गीत नूं हराउण ते तुले होए हो? की बिगाड़िया उन्हें तुहाडा? रुक जा मलाज, ये टाइम ये सब करन दा नहीं है, गीत दे कंपटीशन दा टाइम हो रहा है। तू इहदा मकसद समझ, ये सब तो यही चाहते ने कि तू इन्हां दी गल्लां विच लग्या रहे ते तैनूं गीत लई ढोल लिआउण दा टाइम ही ना मिले। तू छड्ड इन्हां गल्लां नूं, तू जाके गीत लई ढोल दा जुगाड़ कर। तुसी जो जुगाड़ लाना है ना ला लो, मैं ते चली हलवाई दी दुकान ते, गीत दी हार दे लई मिठाई दा डब्बा लैके आवांगी, त्योहारन तो बाद ओनू खवावांगी। जीदा स्वाद ना वखरा ही होएगा, है ना? चलो मैं चल दिया, बाय बाय।
मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा पापा जी। कमो पुआने गीत सारे टोल पार दिते, पता नहीं गीत कॉम्पिटिशन हिस्सा कि लगे। बड़ी तैयारी शारी हो रही है। ਵਿਚੋ ਕੀ ਲੈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕਹਿਣ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੀਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਿਸ ਲਈ? ਸਿਮੋਨ ਮਲਹਾਰ ਜੀ नहीं, सिमोन वैसे ये सवाल तो मेनू तेरे तो पूछना चाहिए। तू मेनू दस, तू का तो इतनी तैयार श्यार होके रहनी हर वेले। तू मल्हार जी तो तेन गलती नाल भी देखना नहीं पसंद करते, इस घर दियां कंधां नूं दिखाउनी है तैयार होके। देख ना तो तेरा कोई वजूद है ते ना तेरा इस परिवार ने कोई रिश्ता। ये तो वड्डे पापा जी की मेहरबानी है जो तू उन्हें आसरे से पल रही है इस घर च। सो औकात च रह। हाँ सिमोन बोल, इन्हें चीकती क्यों पई है? दे जवाब मेरी गल का। उन्हें की जवाब देना? ये तो शुरू तो ही बशर्म ते मरते दम तक भी इन्हें बेशरम ही रहना। हद च रह के गल कर मलहार। कौन बेशरम है ते कौन नहीं, ये तो गल गीत ते फैंस नु देख के पता लग ही गया सी। नहीं मलहार जी, मिट्टी पाओ, ऐसे ते टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। आपा चलते, आपा लेट हो रहे हैं। चलो बेटा, थोड़ी उधर हो जा, चादर ठीक कर दा। ओहो मम्मा, दादू करनी है, वो कंपटीशन ते गया है। हुन ते रिलैक्स कर लो, हर बार मशीन तेरा काम करना जरूरी है। निमरत, निमरत। हाँ जी पापा जी। मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पिछों सोनी ते दादी का ख्याल रखी, ध्यान रखी कि सोनी अपनी पढ़ाई वाल ध्यान दे। मैं एडमिशन लिए स्कूल च गल की है, उत्थे इहदा इंटरव्यू होएगा। इत्थे बारे सब कुछ दसना ही उन्हूं, किते ये ना हो कि अपनी विदेशी नॉलेज नाल साडे खानदान का नक बढ़ा दे। जी पापा जी, ये तुहानूं शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। ठीक है बेटा, ख्याल रखी। जब एना ने मेरी पढ़ाई दी इन्नी फिकर सी ते मैनू मिड सेशन च लिया के इंडिया क्यों सुट दिता? नाले पढ़ के करना भी की है, बाद विच भी ते मेरा एदा ही विआह करवा के मैनू भी ते मेड ही बनाना है ना। उन्होंने जो आख्या सानू करना ही पेगा। पता नहीं क्यों बार बार आके ना वो मेरा मूड खराब कर देंदे है। मोम वैसे मैंने एक गल दसो, तानू की लगता आज तक कंपटीशन कौन जीतेगा, दादू या गीत चाची? गीत टोली, गीत टोल सोना बजा लेंदी है। हाँ पर दादू ने भी हराना इतना इजी थोड़ी है। वो जीतने लिए कुछ भी कर सकते ने, उन्हें अगे आज तक कोई नहीं जीतेया। मोम पापा भी तो डर ही गए सी ना, ताई तो सानू छड़ के पापा भी चले गए। क्यों है सिमोन, तेरी स्वीटी तैयार है? ओए होए मेरी हुसन दी परी, आज तक गीत दा हारना पक्का है, पर जे आज भी ये दिया कातिल दवा गीत नू ना हरा सकिया ना, फिर ते काम खराब ही है। हारेगी, गीत ही हारेगी कमपुआ।
ते आज स्वीटी दी हॉटनेस देख के साबित हो ही जाएगा कि टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, सब हुसन दे दीवाने ने। ते आज उस गीत का हुनर नहीं, स्वीटी दा हुसन जीतेगा। लगता है स्वीटी की ब्यूटी देख के लोगी होनी है कि किते उन्हें पहले दिन हार मान ली। तुसे सब यही सोच रहे होंगे ना कि अज तक गीत ढोली सब के सामने क्यों नहीं आई। तो मैं तुहानू सारे नू दसदा कि अज का मुकाबला गीत ढोली पर्दे के पिछे रह के खेलेगी। अज सानू गीत ढोली दिखाई नहीं देगी पर सानू सिर्फ उहदा ढोल सुनाई देगा। एक बार जोरदार ताले नाल स्वागत करते हैं गीत ढोली का। एक मिनट, मैं माइक के ऑडियंस को कुछ कहना चाहता। श्योर, थैंक यू। एक मिनट मैं बोल लवा। तेनों ही बड़ा घमंड सी अपने आप ते। देख लिया हूं आ हार के भी बेवकूफ स्वीटी दंद कड़ रही है। मैडम जी तुसी सुनिया नहीं, तुसी नहीं जीते हैं, फिर कौन जीतया? साड़ी गीत हेलो मैम, अपना कॉन्सोलेशन बुके लो तो स्टेज तो उतरो। ते हुण मैं साडी सुपरस्टार गीत ढोली नू स्टेज ते बुलाना चाहवांगी ते उहनां नू रिक्वेस्ट करांगी कि ओह स्टेज ते आके अपना इनाम लै लैण। जजेस आ जाइए। गीत मैम स्टेज पे आ जाओ। मैम साड़े ऑडियंस लिए दो शब्द हो जाए। इज्जत सिर्फ मेरी नहीं थोड़े सारिया की। वैसे मैं तुहानू दस देवां अज दे जमाने च भी कई आदमी इदां दे ने जिन्हां दी इह सोच है कि औरत सिर्फ रसोई च चुल्हे अगे तपन वास्ते बनियां ने। भावें औरत ने मन च किन्ने वड्डे सुपने क्यों ना सजाए हो, या तां उह समाज करके या लोकां दी गल्लां करके अपने सुपनियां नू उसे चुल्हे च साड़ के सुआह कर दिंदियां ने। एहो जी जगह जिथे सिर्फ आदमी काम करते ने उस जगह ते औरतां दा जगह बनाना बहुत औखा हो जाता। गिनी एक गीत मल्हार भैरवी रह किथे गए ने, आए क्यों नहीं हजे तक? मैं ता आप कंपटीशन दे रिजल्ट जानने लई बेसब्र हां। गिनी तेरे इंटरनेट ते दिखाए ने अजे कुछ उन्हां ने? नहीं मामी जी, जद तक वो कंपटीशन टीवी च टेलीकास्ट नहीं कर देंदे तद तक सानू रिजल्ट नहीं दसनगे। एक मल्हार पता नहीं कित्थे रह गया, फोन भी नहीं चुक रहा, पता नहीं कित्थे ने सारे।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਲੇਟ ਕੋ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਨਾ ਗੀਤ ਪਾਪੀ ਬੋਲ ਪੁੱਤ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਲਹਾਰ ਬ੍ਰੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਗੀਤ ਪਾਪੀ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗੀਤ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ ਵਾਓ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਗੀਤ ਪਾਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਮੋਨ ਤੇ ਕਮੋ ਪੁਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਗੀਤ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹਾਰ ਗਈ ਮੰਮੀ ਜੀ ਸੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੀ ਅੱਜ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਿਮੋਨ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੁਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਪਰ ਮਲਹਾਰ ਮਲਹਾਰ ਇਹ ਸਿਮੋਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਸੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ ਸੀਏ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਮਰਤ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਿਸ ਮੂਹਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੇਕੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਰੋਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਆਰਤੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਇਸ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਆ ਰੁਕ ਜਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਦਾਦੀ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਰਤੀ ਗੀਤ ਟੋਲੀ
पीके बस एक शब्द भी मुंह चो निकलना मैं तोड़े मुंह दे विचों कुछ नहीं सुनना चाहता बस अच्छा भाई साहब का हक खो के कुछ गलत नहीं किया कोई हक नहीं खोया जो उन्हां दा सी हुण भी उन्हां दा ही है जे के ताया जी ते दादी जी तो जेड़ा हक खोया सी ओही हक वापस लिया गया ते तू जेड़ा जे के दे खिलाफ जाके पीके दा साथ दे रही है ना वो ठीक नहीं है पीके ता सालों पहले सब कुछ छड़ के चला गया सी ता जेके ने सब कुछ संभालिया ते पीके ने ता तेनू डायमंड नू ते अर्शी नू कदी अपना परिवार समझिया ही नहीं ते तू अज उनू जेके तो उपर रख रही है बस बहुत हो गया उन्हें आना है ता आए नहीं ता असी ता अपना त्योहार मनावांगे अज दिवाली का दिन है असी एदा अपना घर सुना नहीं रखांगे दादी बिल्कुल नहीं लग रहा कि आज कोई फेस्टिवल है तेनू तेरे दादू का गुस्सा पता है ना नाले इन्ना सब होने तो बाद कि तेनू लगता है कि वो तेनू पटाके चलान देंगे दादी बट बड़े पापा जी बड़े पापा जी दरवाजा खोलो बड़े पापा जी मेरी एक बारी गल तो सुनो दरवाजा खोलो बड़े पापा जी बड़े पापा जी देखो आज त्योहार का दिन है आज का दिन सारे रल के खुशियां मनाते हैं चलो ना साढ़े नाल चलो देखो असी सारे जने इको परिवार के मैंबर ते थोड़े बगैर कोई भी त्योहार अधूरा है आ जाओ ना बड़े पापा जी दरवाजा खोलो बड़े पापा जी बाहर आ जाओ बड़े पापा जी असी थोड़ी उड़ीक करांगे दादू चलो ना अब पंजाब में साड़ी पहली दिवाली है जे मैं बाहर नहीं गया तो गीत मैनू कमजोर समझेगी कि मैं डर के बैठ गया मैनू बाहर जाना पड़ेगा बच्चों चलो दिवाली मनाओ जिन्ना थैंक्स करा ना उन्ना घट है सच्ची सब थोड़ी मेहनत का ही नतीजा चला सारा परिवार कट्ठे मिलके खुशी खुशी दिवाली मना दे नहीं मल्हार जी ये जो तुसी मेरा साथ दिंदे हो ना ये ओहदा नतीजा
बाकी माता रानी का साथ तो है ही। यह है गीत टोली, रातों रात छा गई है ते हर कोई ये वीडियो देख के पागल हो रहा है। पब्लिक तो इतनी पागल हो के किसे भी मगर लग जाती है। जिथे तक गल है इहदी तां इदां दे कई सितारिआं नूं मैं बोतल च उतारिआ। ओए तू हुण एक आर्टिस्ट दे नाल फ्रॉड दे केस चों बाहर आया है, हुण होर कोई गड़बड़ ना करी। दुनिया की कोई भी ताकत मैनूं कैद नहीं कर सकती। प्रेडी, प्रेडी ना है मेरा। लोकी मैनू कहंदे ने म्यूजिक वर्ल्ड दे सिंगरां दा डैडी। की कर लिया उस आर्टिस्ट ने मेरे खिलाफ? कुछ भी नहीं, मैं उन्हें फसाया ते खूब पैसा कमाया। हुण इस गीत टोली दी वारी है, हुण यही बनेगी मेरी अगली ATM। पर इस तक पहुंचोगे किदां? रास्ता आप ही तुर के मेरे को आ गया। भैरवी, तू जान दे ना? हाँ, पुरानी दोस्त है मेरी। हुण ये पुरानी दोस्ती ना मैनू मेरी नवी किस्मत तक ले जाएगी। ताही बनेगी गीत टोली मेरे पैसे छापण दी मशीन। कि मैं थोनू दस नहीं सकता कि मैं किन्ना खुश हाँ अज। सच्ची तुसी उन बस इंटरनेशनल आर्टिस्ट नहीं नहीं इंटरनेशनल स्टार बन जाना की। देखियो देश देश चे थोड़े चर्चे होंगे की, दुनिया के कोने कोने चे लोग सिर्फ थोड़ा टैलेंट देखेंगे। हाँ, पावे US होवे, कैनेडा होवे, UK होवे, सिर्फ थोड़ी गल्ला होंगे, सिर्फ थोड़ी गल्ला। ज़्यादा थोड़ी अखां चे अपने सपनियां नूं चमकदा देखदी है ना, मैनूं बड़ा मान महसूस होंदा। ए सोच के कि बॉटी नूं तां हर कोई प्यार करदा ही है, पर उहदे नाल कोई कोई खड़ा हुंदा। इसलिए थोड़ा ते अपने परिवार जिन्ना थैंक्स करो उन्ना घट। थैंक्स नहीं, सब दे नाल खुशी नहीं बननी। जल्दी चलो, सारे जने वेट कर रहे होने, उन्हां नाल सेलिब्रेट कर दें चल के। चलो मेरी नूरानी, अज मैं बड़ी खुश हाँ। तू इस घर की अन्नपूर्णा ते लक्ष्मी ते पहले ही सी, ते हुण तू इस घर की सरस्वती भी बनने वाली है, क्योंकि हुण तेरे ढोल दे नाल नाल हुण तेरे सुर भी इस दुनिया उते राज करनगे। उही ता साडी गीत हुण ग्लोबल स्टार बनन वाली है। सच्ची ऐदां लग रहा है जिदां मेरा अधूरा सपना तू पूरा कर रही हूं मैं। मेरे नाल तां पीके ने बिल्कुल सही कीता सी। ए नचना गाना ना कदे इस खानदान दी पहचान सी ते ना ही कदे होएगी। क्यों ताया जी, उन्हें वड्डे संगीतकारां दे भी तां घराने हुंदे ने, लोग उन्हां दी तां बहुत इज्जत करदे ने, फिर गीत दी क्यों नहीं करनगे? आ देखो साड़ी कंपनी दे नवे लोगों दे डिजाइन्स ने, किवें दे लग रहे? वधिया मल्हार जी, बाकी तुसी वेख लो। कित की होया, कुछ सोच रहे हो तुसी? एहो जी केड़ी चीज है जिहड़ी थानू परेशान कर रही? वड्डे पापा जी नूं दादी मां ने उस वेले तां कुछ बोलन नहीं दित्ता, पर मैनूं नहीं लगता कि
चुप बैठन वाला विच्चों ने। मलहा जी तुहानू अजीब नहीं लगता कि मेरी कंपनी बारे सुन के वो चुपचाप उत्थे चले गए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोलिया। इन्नी छेती वो हार मनन वाले च तो है नहीं। बिल्कुल सही कहा जी, ताया जी कम बहुत सिमान, कुछ ना कुछ गड़बड़ता जरूर करनगे, पर तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो, असी दोवें इकट्ठे हैं ना, दुनिया की कोई भी ताकत सानू हिला नहीं सकती। तुसी मेरे नाल हो मलहार जी, ताई तो मैं इत्थे तक पहुंच सकी। मलहार जी सब कहते हैं कि आदमी की कामयाबी पीछे एक औरत का हाथ होता, पर औरत की कामयाबी बारे कोई गल ही नहीं करना चाहता। भावे औरत घर च बह के काम करे, भावे घर तो बाहर नाम कमा, पर एक औरत की जिंदगी दे विच उहदे पति का साथ ते उहदे परिवार का साथ किन्ना जरूरी है, मेरे तो बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। किन्नियां औरतां ने मलहार जी जिहड़ियां सुपने देखदियां ने, पर अपने पति का साथ ना मिलन कारण उहनां दे सुपने टुट जांदे ने। पर मैं बहुत किस्मत वाली हां मलहार जी कि तुसी हर वेले मेरा साथ दिंदे। इन्नी किस्मत वाली हां कि सुपने मैं देखती हां पूरे, तुसी ते मेरा सारा परिवार करदा है। गीत तुसी इदां किवें कर सकदे हो, अजे तां शुरुआत है, अगे बहुत कुछ देखना है। हुण जाके तां तुहाडी किस्मत खुली है ते तुसी तुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे राही अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करा रहे। भैरवी हुण जे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई लई है तां डर काहदा, घबराओ ना, भरोसा रखो, हुण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कुछ भी होएगा वेखी जाएगी। गीत भाभी मलहार ब्रो बाहर सारे मीडिया वाले आए ने। हाँ जी चलो चलिए। मलहार ब्रो तुहानू की लगता है कि सच्ची गीत भाभी दे करियर दा एंड होएगा? पता नहीं कि चल के देखते हैं की हो रहा है। हाँ जी चलो चल। मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो तुम? असी नारी शक्ति मंडल तो आए हैं। कम बुआ कितने गीत ने महिला मोर्चा वाले नु अंकल जी खिलाफ कंप्लेन तो नहीं कर दी? हूं तो यह उन्होंने गल में हार पा रही ने, पर मैनू लगता है कि बाद में इंसल्ट करनगे। सिमन तेरा मतलब है कि जिदा बकरी नु हलाल करन तो पहला खवाया पियाया जाता है उदा ही? हो सकता है कम पुआ। बस करो ये सब, हुण साफ साफ दसो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दे नाल पीके भाई साहब दा की लेना देना है? लेना देना क्यों नहीं है भैन जी, पीके महाराज जी वर्गे इंसान बहुत घट होंदे ने, इन्हां दी वाह वाही तो होनी ही चाहिए। इन्होंने तो यहोजा काम किया कि इन्हां दी जिन्नी तारीफ की जाए घट है। इसलिए अज असीं इन्हां दा मान वधाउण ते लोकां नूं दिखाउण आए हां कि सब नूं इन्हां वर्गे बनना चाहिए। अज दी अखबार ने ते सब दी नींद ही उड़ा दित्ती सी, सब नूं लगा कि गीत ढोली तो हम ढोल बजाना ही बंद कर देगी, ते वो हम म्यूजिक कैरियर बंद ना कर दे ते घर ना संभालन लग जावे। फिर जो होया उन्हों देख के गीत दे सारे फैंस दे तेरे ते रौनक वापस आ गई। की होया है वो तो दसो। सानू ये पता लग गया है कि पीके महाराज जी ने अपनी घर दी नौ नूं कमजोर नहीं पैन दिता,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਨੇ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਪੀ.ਕੇ. ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ।